और सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे आने के बाद देहरादून में परीक्षा में सफल छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं है। देहरादून के दून इंटरनेशनल स्कूल में कई छात्रों ने 90% से ऊपर अंक हासिल किए हैं। छात्रों का कहना है कि उन्होंने लगातार सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई की है, जिसके चलते उन्होंने ये अंक हासिल किए हैं। बोर्ड परीक्षा में सफल छात्रों से सहारा समय संवाददाता संदीप नेगी ने बातचीत की। सीबीएसई का परीक्षा रिजल्ट आज घोषित हो चुका है और मेरे साथ तमाम जो बच्चे हैं जो कि आज यहां से बहुत अच्छी मेरिट लेकर पास हुए हैं, दून इंटरनेशनल स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हूं। आपसे जानना चाहूंगा कितने प्रतिशत आपके जो अंक आए हैं और कैसी मेहनत थी पूरी आपकी। मेरे क्या थे, पीसीबी ली थी मैंने साइंस के साथ, तो मेरी 84% आई थी। मेरा नाम आशीष कुमार है। तो मेरी मेहनत सिंपल ये थी कि मैंने एनसीईआरटी की बुक से किया है जो किया है, और बाकी एक्स्ट्रा मैंने ट्यूशन लगवाए थे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। बायो के लिए ऐसा कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। कंपटीशन कहीं ना कहीं आज की डेट पर लगभग बहुत तेज हो चुका है और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कितनी मेहनत करी थी और आगे बनने का क्या लक्ष्य और कितनी परसेंट है आपकी। मेरा नाम प्रियांशु वर्मा है, मेरी परसेंटेज 93.6 है और फ्यूचर में तो जेई मेन की प्रेपरेशन का सोचा है मैंने, और कॉम्पिटिशन तो एक्चुअली बढ़ गया ही है। तो वैसे जो स्टूडेंट्स हैं वही कॉम्पिटिशन बढ़ाते हैं, तो उसके लिए खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बच्चे हो गए तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया। तो मेन यही है कि आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए और बस पेपर सॉल्व करिए और कुछ। मैं आख्या अग्रवाल, मेरा नीट का एम है इस बार का, तो वो वही है कि जितना हम एनसीईआरटी के उस पर बेस्ड रहेंगे वही सही रहेगा हमारे लिए। वही है कि जितना हम, एक होता है कि पढ़ाई हम रोज़ कर लें, एक दिन 15 घंटे कर लें फिर अगले दिन ना करें, वो सही नहीं है। बस पढ़ाई में ये है कि कॉन्स्टेंट रहे, जो इस बार गलतियाँ कही हैं उनको सुधार के ही आगे का हमें देखना है। ऑनलाइन कक्षाओं की वजह से हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं कि क्लास चल रही है, किसी को क्या ही पता चल रहा है हम इधर उधर क्या कर रहे हैं, तो उनको भी लड़ना पड़ा था। तो जिन्होंने लड़ लिया उनके अच्छे मार्क्स आगे, वरना क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ जिस तरह से कोरोना काल था उसके बाद कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर थी इन लोगों के लिए, छात्रों के लिए, चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई थी, पूरी मेहनत इन लोगों ने की और इसके बावजूद तमाम अच्छे नंबर्स लेके आखिरकार ये लोग अब पास हो चुके हैं। कैमरामैन मंजुल माजला के साथ संदीप नेगी, सारा समय देहरादून। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।